नेहरू प्लैनेटेरियम जाने के लिए आपको लोअर परेल या फिर महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन आना होगा। जैसा कि मैं महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन आया हूं और यहां से बाहर जब निकलेंगे तो आपको टैक्सी मिल जाएगा। यहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी होगा नेहरू प्लैनेटेरियम का, और शेयरिंग भी आपको मिल जाएगा और मीटर भी मिल जाएगा। अब मीटर का जो भी चार्ज हो, मैं यहाँ से शेयरिंग टैक्सी पकड़ा हूँ जो कि वर्ली नाका मुझे छोड़ा है सिर्फ 20 रुपये में, और वहाँ से 5 मिनट लगा है जो मैं चल के आया हूँ यहाँ नेहरू प्लैनेटेरियम। अब देख सकते हैं ये नेहरू प्लैनेटेरियम है, और यहाँ से ठीक इसके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नेहरू सेंटर है जो एक म्यूज़ियम है, और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये नेहरू प्लैनेटेरियम का एंट्री गेट है, यहाँ पे 400 दिन का होता है, उस शो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप नेहरू प्लैनेटेरियम आते हैं तो, जिसका 150 रुपये टिकट है शो का, और 400 जो 12 बजे हिंदी पहला शो होता है, फिर 1:30 बजे मराठी और 3 बजे इंग्लिश, और 4:30 बजे फिर वापस हिंदी। इस शो का मैं 12 बजे शो का मैं टिकट ले चुका हूँ 150 रुपये में, देख सकते हैं, और मेरा सीट नंबर है 18-18। अभी शो स्टार्ट होने आधे घंटे से ज़्यादा का समय है, जब तक मैं आपको ले चलता हूँ इस म्यूज़ियम के अंदर, देखता हूँ अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर है क्या। यहाँ से एंट्री है इस म्यूज़ियम का, ये बिल्डिंग देख सकते हैं, और इसके इसका यहाँ से गेट है इसके अंदर जाने का, और यहाँ से ही एंट्री है इसके अंदर। यहाँ पे आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो जो 150 रुपये का टिकट मैं वहाँ से लिया हूँ वो यहाँ पे चेक हुआ है। जब मैं अंदर एंट्री किया हूँ तो वो 150 रुपये का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ काउंटर है, इस काउंटर पे चेक किया गया है मेरे टिकट को। ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत शिप रखा हुआ है, और एक साइड में, और इसके इधर बगल में देख सकते हैं यहाँ पे इस म्यूज़ियम का मैप है, और यहाँ से जो है यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने का 4th फ्लोर पे। अब मैं 4th फ्लोर पे चल रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर दिखा सका तो। ओह सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी भी तरह की तस्वीर नहीं ले सकते, सिक्योरिटी के लोग भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ से मैं वापस चलता हूँ नेहरू प्लैनेटेरियम, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लग चुका है, सब पहले से लाइन लग गया है, अब मैं भी इस लाइन में खड़ा हो गया हूँ, और एक एक आदमी का ही यहाँ से एंट्री होगा। अंदर अंदर क्या है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, और ये एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से देख सकते हैं वर्ल्ड टाइम है मुंबई इंडिया 12:07 हो रहा है, सिंगापुर में 14:37 हो रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड का टाइम आपको नज़र आ रहा है, और ये स्काई थिएटर ही इसके अंदर है। शो 1 घंटे का शो है जो अभी स्टार्ट होगा, तो उसके पहले आप यहाँ पे कुछ झलकियाँ देख सकते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे। ये मार्स का कुछ झलकी देख सकते हैं यहाँ पे, मार्स पे कई और मार्स के साथ साथ ये आप मून का भी देख सकते हैं, मून की झलकियाँ, ये मून पे किस तरह से अपना सैटेलाइट गया था, और देख सकते हैं ये मून की झलकियाँ। और भी अंदर क्या क्या है मैं आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो
यहाँ पे मार्स और मून दोनों की झलकियाँ आप देख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। आप अगर विजिट करते हैं तो आपका बहुत इन्जॉय होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वेट, आप अपना देख सकते हैं अर्थ पे आपका वेट क्या होगा और सन पे आपका वेट क्या होगा। अगर आप सन पे होते हैं, जुपिटर पे आप होते हैं तो आपका वेट क्या होगा, फिर ये अपना मार्स पे आप होते हैं तो आपका वेट, सब पे अलग अलग वेट होगा आपका। जो अर्थ पे है उसके अलावा मून पे आपका क्या वेट होगा, आप यहाँ पे वेट अपना चेक कर सकते हैं कि आप अगर जुपिटर पे हैं तो आपका क्या वेट होगा, मून पे हैं तो क्या वेट होगा, मार्स पे हैं तो क्या वेट होगा। आप यहाँ पे अपना वेट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब जगह पे अलग अलग वेट आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि आप अगर एक अंतरिक्ष यात्री हैं तो आप किस तरह से दिखाई देंगे, यहाँ पे आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं। और ये अपना आर्यभट्ट सैटेलाइट है अपना, और यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों की तस्वीरें लगी हुई हैं, देख सकते हैं। और ये मून पे देख सकते हैं कि रात में मून पे किस तरह का नज़ारा होता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, शो स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट आपको यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं, जो सारे ग्रहों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा। कैंटीन के बाहर कहीं भी खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। इस तरह से वीडियो देख के आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है, बहुत अच्छी, और पूरे तारामंडल की जानकारियाँ आपको, पूरे ग्रहों के बारे में जानकारियाँ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। जो 1 घंटे का शो होता है उस शो में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ, वो आप जानकारी कहीं नहीं आपको मिल सकती है, जो जानकारियाँ यहाँ पे मिलेगी। ये अपना इंडियन सैटेलाइट है, देख सकते हैं। अब ये रहा स्काई थिएटर, इसके अंदर एंट्री कर लिया हूँ मैं, और इसके अंदर अंधेरा ही है, देख सकते हैं। अगर कुछ हो सका तो मैं दिखा सकूँगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अलाउड भी नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है, आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे, और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक। ये 1 घंटे का शो था, आप इसमें 1 घंटे का शो में आप बहुत कुछ जानकारियां ले सकते हैं। आप अगर यहां पर विजिट करेंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन रहे जानकारी यहां से आपको मिलने वाली है।